किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स रूल। चित्र के अनुसार बिंदु ए पर आई धारा आती है तथा बिंदु ए से आई धारा तीन भागों I1, I2 व I3 में बढ़ जाती है। अर्थात बिंदु ए पर I बराबर I1 धन I2 धन I3 या I ऋण I1 ऋण I2 ऋण I3 बराबर 0। बिंदु बी पर धारा I1, I2 व I3 पुनः मिलती है। वह धारा का मान फिर से वही हो जाता है जो बटने के पूर्व था। बिंदु बी पर I1 धन I2 धन I3 बराबर I या I1 धन I2 धन I3 ऋण I बराबर 0। ये समीकरण किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। अतः किरचॉफ के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। परिपथ के किसी बिंदु पर धारा का संग्रहण नहीं होता, बल्कि यह सतत प्रवाहित होता रहता है। यह नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है। इस प्रथम नियम को संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं। सोचिए, त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित LED बल्बों की लड़ी का उपयोग किया जाता है। यदि एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? यदि हमारे घरों के उपकरण भी श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते तो क्या होता? उदाहरण 2। नीचे दिए गए विद्युत परिपथ से निम्न प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। क, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ख, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। प्रश्न में हमें यह एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। इस परिपथ के लिए हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात करनी है। हम देख सकते हैं इस विद्युत परिपथ में R2 और R3 जो प्रतिरोध है वो समानांतर क्रम में है और R2 R3 के साथ R1 जो है वो श्रेणी क्रम में है। साथ ही R1 का मान है 7 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 12 ओम और विभवांतर जो दिया है वो हमें 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो हमें प्रश्न में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। यदि हम इसके तुल्य प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करें तो संबंध होगा 1/R बराबर 1/R2 धन 1/R3। चलिए इनके मान रख लेते हैं। तो 1/R बराबर हमको मिलेगा R2 का मान 8 ओम यानी कि 8 और R3 का मान है हमारे पास 12। तो इसे हल करने पर हमें मिलेगा 1/R बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/2/24, जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 5/24 और इस प्रकार हम R का मान ले सकते हैं। R का क्या मान हो जाएगा? 24/5 और ये हो गया हमारे पास 4.8 ओम। चलिए आगे हल करते हैं। हमने देखा कि R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमको मिला, R का मान मिला है 4.8 ओम। तो इस नए परिपथ में आप देख सकते हैं कि R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका मान हमको कितना मिल गया? 4.8 ओम। अब इसमें आप देखिए कि R1 और R जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? यदि हम इसके तुल्य प्रतिरोध को R' से व्यक्त करें तो R' बराबर हमको मिलेगा R1 धन R और R1 का मान कितना है? 7 ओम, तो हम लिख सकते हैं 7 और R का मान हमने निकाला है 4.8 ओम, यानी कि हमें मिलेगा ये मान 11.8 ओम के बराबर।
इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो परिपथ है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ है बराबर 11.8 ओम। इस प्रकार प्रश्न का पहला भाग जो है वो हल हुआ। चलिए अब हम प्रश्न का दूसरा भाग हल करते हैं, जिसमें हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? देखिए यहाँ पर हमें ये 6 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं विद्युत बैटरी द्वारा परिपथ में कुल विभवांतर V बराबर कितना है? 6 वोल्ट। और तुल्य प्रतिरोध परिपथ में कितना है? तुल्य प्रतिरोध परिपथ में हमने अभी पिछली जो गणना की है वो हमें कितना मिला था? 11.8 ओम। साथ ही ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है RI, जहां V विभवांतर है, R प्रतिरोध और I जो है वो विद्युत धारा है। तो इन सभी का हम यहां मान रख लें, तो वोल्ट विभवांतर जो है वो हमको कितना है? 6 वोल्ट। प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध हमने कैलकुलेट किया था वो है 11.8 और I का मान हमें ज्ञात करना है। तो मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 6 = 11.8 × I। चलिए आगे देखते हैं। V बराबर RI में मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ है 6 = 11.8 × I। तो अब I का मान ज्ञात करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 6/11.8, यानी कि इसका मान हमें प्राप्त होगा 0.508 एम्पियर। तो इस प्रकार विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान हो गया 0.508 एम्पियर। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।